दोस्तों आज के स्टडी में हमारे पास एक बेस्ट टाइमर रिले है। इस टाइमर रिले के जरिए आप किसी भी लोड को जितना टाइम आप चाहते हैं उतने टाइम तक स्टार्ट कर सकते हैं, और जैसे ही आपका टाइमिंग कंप्लीट होता है आपका लोड ऑटोमेटिकली स्टॉप हो जाता है। फिर जितना टाइम आप चाहे उतने टाइम तक इस लोड को स्टॉप कर सकते हैं, और जैसे ही आपका स्टॉपिंग टाइम कंप्लीट होता है आपका लोड अगेन स्टार्ट हो जाता है। दैट मींस इस टाइमर के जरिए आप किसी भी लोड को जितना टाइम आप चाहे उतने टाइम तक स्टार्ट कर सकते हैं, और जैसे ही आपका स्टार्टिंग टाइम कंप्लीट होता है आपका लोड जितना टाइम आपने स्टॉप के लिए सेट किया है उतने टाइम तक स्टॉप रहता है, और यह प्रोसेस कंटिन्यू चलती रहती है। चलिए प्रैक्टिकली पहले हम देख लेते हैं। अब इस टाइमर में हमने 5 सेकंड स्टार्ट टाइम सेट किया है, दैट मींस हमारा जो मोटर स्टार्टर है वो 5 सेकंड तक रन करेगा, और जैसे ही 5 सेकंड कंप्लीट होता है हमारा मोटर स्टार्टर यहां से स्टॉप हो जाएगा। और हमने यहां पर स्टॉपिंग टाइम के लिए एक बल्ब कनेक्ट किया है। यदि आप स्टॉप टाइम के लिए कोई अदर डिवाइस को ऑपरेट करना चाहे तो वह भी कर सकते हैं। दैट मीन्स जो स्टार्ट टाइम हमने सेट किया है उतने टाइम तक हमारा मोटर स्टार्टर ऑपरेट रहेगा। जैसे स्टार्टिंग टाइम कंप्लीट होगा हमारा यह लोड ऑपरेट होगा, और यह प्रोसेस कंटिन्यू चलती रहेगी जब तक हम इसे स्टॉप ना कर दे। देखिए जैसे हम पावर को ऑन करते हैं 5 सेकंड के लिए हमारा मोटर स्टार्टर ऑपरेट हुआ। जैसे ही 5 सेकंड कंप्लीट होता है हमारा देखिए ये लोड ऑन हो चुका है। जैसे ही 5 सेकंड कंप्लीट होगा हमारा स्टार्टर अगेन स्टार्ट हो चुका है। तो इस तरह से आप किसी भी लोड को जितना भी टाइम आप चाहते हैं उतने टाइम तक स्टार्ट कर सकते हैं, और जैसे ही आपका स्टार्टिंग टाइम कंप्लीट होता है आपका लोड उतने टाइम के लिए स्टॉप रहेगा। कई बार हमें एप्लीकेशन होती है कि हमें टाइमिंग के अकॉर्डिंग कोई वाटर पंप मोटर को या इंडस्ट्री में किसी भी मोटर को स्टार्ट स्टॉप करना होता है, तो इस तरह से आप कर सकते हैं। यदि आपको इसे स्टॉप करना हो तो स्टॉप करने के लिए आपको यहां से सिलेक्टर को ऑफ करना होगा। अगेन जब आपको स्टार्ट करना हो तो आप सिलेक्टर के जरिए अगेन इसे स्टार्ट कर सकते हैं, और आपका स्टार्टर कंटिन्यू रन होता रहेगा। चलिए अब हम सेटअप समझ लेते हैं किस तरह इस टाइमर रिले में कनेक्शन किया जाएगा, किस तरह से इसकी वर्किंग होती है। इस टाइमर रिले के जरिए आप 0.1 सेकंड से लेकर के 100 आवर तक की स्टार्टिंग एंड स्टॉपिंग टाइम सेटिंग कर सकते हैं। सबसे पहले हम इस टाइमर रिले के बारे में जान लेते हैं। तो हमारे पास ये जो टाइमर रिले है टेंस इलेक्ट्रॉनिक का ERF09 मॉडल का बेस्ट क्वालिटी का टाइमर रिले है। ये जो टेंस इलेक्ट्रॉनिक है ये तुर्की की बेस्ट इलेक्ट्रॉनिक कंपनी है जिसका हर एक प्रोडक्ट बेस्ट क्वालिटी का होता है। देखिए इस टाइमर रिले को ऑपरेट होने के लिए इसमें हमें सिंगल फेज फेज एंड न्यूट्रल 220 वोल्ट एसी सप्लाई कनेक्ट करना होगी, और इस टाइमर रिले के जरिए हम 5 एम्पीयर तक के किसी भी लोड को कंट्रोल कर सकते हैं। यदि आपके पास 5 एम्पीयर से ज्यादा का कोई लोड है तो फिर आपको वहां पर कॉन्टेक्टर कनेक्ट करना होगा, फिर कॉन्टेक्टर की रेटिंग के अकॉर्डिंग आप किसी भी लोड को कंट्रोल कर सकते हैं। बट यदि आपको इस टाइमर रिले के जरिए डायरेक्टली किसी लोड को कंट्रोल करना है तो आप 5 एम्पीयर तक के मैक्सिमम लोड को कनेक्ट कर सकते हैं। देखिए इसमें A1 और A2 जो दिया गया है इसमें यहाँ पर आपको फेज और न्यूट्रल कॉइल में सप्लाई कनेक्ट करना होगी। इसमें 1, 2 एंड 3 रिले के पॉइंट है, जिसमें 1 एंड 2 NC पॉइंट है, 2 कॉमन पॉइंट है, 2 के साथ 1 NC है और 3 NO पॉइंट है। यदि आपको किसी भी लोड को टाइमिंग के अकॉर्डिंग ऑन करना है तो आपको उसका कनेक्शन 3 के साथ NO के साथ करना होगा। जैसे ही आपका टाइमिंग कंप्लीट होता है आपका रिले स्टॉप हो जाएगा। जब रिले स्टॉप हो जाएगा तो 2 की सप्लाई 1 से निकलेगी। दैट मीन्स यदि किसी लोड को आपको ऑन करना है तो जब आपका रिले ऑपरेट होगा उस कंडीशन में जब 2 की सप्लाई 3 से, आपको लोड का कनेक्शन 3 पॉइंट से करना है और फेस को 2 नंबर पॉइंट से कनेक्ट कर देना है। चलिए इसमें आपको टोटल 3 LED दी गई है। यदि आपके फ्लैशर रिले में पावर आ रहा है तो यहाँ पर पावर की LED ब्लिंक करेगी। यदि आपका लोड ऑन कंडीशन में है तो ऑन LED ब्लिंक करेगी। यदि आपका लोड ऑफ कंडीशन में है तो यहाँ पर ऑफ LED यहाँ पर ब्लिंक करेगी, जिससे आपको जो भी लोड का स्टेटस है ऑन या ऑफ यहाँ से पता चलता रहेगा। अब हम समझ लेते हैं इस टाइमर रिले में हमें किस तरह से सेटिंग करना होती है। जैसा कि हमने कहा था आपको 0.1 सेकंड से लेकर के 100 आवर तक की आप इसमें सेटिंग कर सकते हैं। तो देखिये यहाँ पर आप
आपको ऑन टाइम सेट करना होता है और यहां पर आपको ऑफ टाइम सेट करना होता है। आप इस टाइमर में ऑन एंड ऑफ दोनों टाइमिंग सेट कर सकते हैं। यहां पर देखिए आपको 10 सेकंड से लेकर 100 आवर तक की रेंज दी गई है। दैट मींस ऑन टाइम में आप टाइमिंग की रेंज सेट कर सकते हैं और फिक्स्ड टाइम सेट करने के लिए आपको यहां पर टी ऑन टाइम सेट करना होगा। इसी तरह से ऑफ टाइम में आप टाइमर की रेंज सेट कर सकते हैं और फिक्स्ड टाइम सेट करने के लिए टी ऑफ टाइम में आपको टाइमिंग सेट करना होगा। चलिए प्रैक्टिकली हम समझ लेते हैं। देखिए यहां पर जो मैक्सिमम ऑन टाइम दिया गया है यह आपके लोड का मैक्सिमम ऑन टाइम की लिमिट होती है जो कि आप यहां से सेट कर सकते हैं जो कि 10 सेकंड से लेकर 100 आवर तक की होती है। इसी तरह से टी ऑफ टाइम की लिमिट यहां से आप सेट कर सकते हैं। यदि आपको पर्टिकुलर फिक्स्ड टाइम सेट करना है तो वह किस तरह से किया जा सकता है हम समझ लेते हैं। ये काफी इंपॉर्टेंट है। देखिए जो आपका टी ऑन टाइम है दैट मीन्स लोड ने कितने टाइम तक ऑन होना चाहिए इसके लिए आपने देखिए जो भी ऑन टाइम सेट किया है ऑन टाइम को यदि आप 10 से डिवाइड कर देते हैं। देखिए ऑन टाइम को यदि आप 10 से डिवाइड करते हैं और उसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं जो टाइम रेंज आपने यहाँ पे टी ऑन में सेट किया है। फॉर एग्जाम्पल यदि आपको कहीं पर 70 सेकंड सेट करना है तो किस तरह से किया जाएगा। सबसे पहले आपको इसे ले जाकर 100 सेकंड पर सेट कर देना है। देखिए 100 सेकंड पर सेट कर दिया है दैट मीन्स इसकी जो लिमिट हो गई वह 100 सेकंड तक हो गई है। अब देखिए यदि हम 100 को 10 से डिवाइड करते हैं तो कितना आता है हमारे पास 10 आता है। दैट मीन्स इसकी जो एक एक की लिमिट होगी वो 10 की होगी। दैट मीन्स जो 1 होगा ये 10 सेकंड होगा, 2 जो होगा 20 सेकंड होगा, 3 यहाँ पे 30 सेकंड होगा। इसी तरह से 10 यहाँ पे 100 सेकंड होगा। यदि हमें 70 सेकंड सेट करना है तो फर्स्ट हमने यहाँ पे 100 सेकंड पर सिलेक्ट कर लिया है। अब यहाँ पर हमें 7 सेट कर देना है। जैसे ही हम यहाँ पे 7 सेट करते हैं हमारे टाइमिंग की जो रेंज है वो 70 सेकंड सेट हो चुकी है। इसी तरह से हमें टी ऑफ टाइम भी सेट कर देना है। चलिए हम कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं जिसके जरिए आपके सारे डाउट क्लियर हो। देखिए फॉर एग्जाम्पल हमें जो ऑन टाइम सेट करना है वो 100 मिनट सेट करना है और जो ऑफ टाइम सेट करना है वो 50 मिनट सेट करना है। तो 100 मिनट के लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले देखिए जो ऑन टाइम है इसे हमें 100 मिनट पर सेट कर देना है। देखिए 100 मिनट पर आ चुका है। अब देखिए जो टी ऑन टाइम होगा ये इसका 10 से डिवाइड होगा। दैट मीन्स ये होगा 1 इसका 10 मिनट, 2 20 मिनट, 30 मिनट, इस तरह से इसकी रेंज होगी। हमें सेट कितना करना है 100 मिनट, तो यहाँ पर हमें इसे 10 पर सेट कर देना है। देखिए 100 मिनट की टाइमिंग रेंज सेट हो चुकी है। अब ऑफ टाइम हमें कितना सेट करना है 50 मिनट, तो 50 मिनट के लिए देखिए सबसे पहले इसे हमें 100 मिनट पर सेट करना होगा। देखिए 100 मिनट पर इसे सेट कर दिया है। अब इसका जो फर्स्ट पॉइंट होगा वो 10 के इक्वल होगा, तो यहाँ पर इसे हमें 5 पर सेट कर देना है। देखिए 5 पर सेट कर दिया है। दैट मीन्स हमारा जो लोड है वो 50 मिनट के लिए यहाँ पर सेट हो चुका है। एक और एग्जांपल देखते हैं ताकि आपके सारे डाउट क्लियर हो सके। फॉर एग्जाम्पल हमें जो ऑन टाइम सेट करना है वो 70 सेकंड सेट करना है, तो उसके लिए सबसे पहले देखिए ऑन टाइम को हमें 100 सेकंड पर सेट करना होगा। देखिए 100 सेकंड पर सेट कर दिया है। अब इसका जो 1 पॉइंट होगा वो 10 सेकंड के बराबर होगा, तो हमें यहाँ पर 7 सेट कर देना है। 7 सेट कर दे तो हमारा 70 सेकंड यहाँ पर सेट हो जाएगा। ऑफ टाइम फॉर एग्जांपल हमें 30 सेकंड सेट करना है, तो सबसे पहले इसकी जो मैक्सिमम रेंज होगी वो हमें 100 सेकंड सेट कर देना है। देखिए 100 सेकंड सेट हो चुकी है। अब यहाँ पर 1 पॉइंट इसका 10 सेकंड के बराबर होगा, तो हमें यहाँ पे 3 सेट कर देना है इस तरह से। देखिए 3 सेट करके यहाँ पे 30 सेकंड सेट हो चुका है। तो इस तरह से आप किसी भी लोड को 0.1 सेकंड से लेकर 100 आवर तक की टाइमिंग ऑन एंड टाइमिंग ऑफ सेटिंग कर सकते हैं। चलिए अब हम प्रोडक्ट वेरीफाई कर लेते हैं। देखिए टेंस इलेक्ट्रॉनिक के हर एक प्रोडक्ट को आप वेरीफाई कर सकते हैं। ये टेंस इलेक्ट्रॉनिक द्वारा बनाया गया है या फिर डुप्लीकेट, उसके लिए देखिए यहाँ पर आपको एक कोड दिया गया है। जैसे आप इस कोड को स्कैन करते हैं ये आपको प्रोडक्ट वेरिफिकेशन सिस्टम पर ले आता है। अब यहाँ पर आपको उस कोड को इंटर कर देना है। देखिए यहाँ पर हम उस कोड को इंटर कर देते हैं। जैसे हम इंटर करके इसे वेरीफाई करते हैं
हैं। देखिए हमारे पास जो प्रोडक्ट है वो ओरिजिनल है, जो कि ERF09 मॉडल का हमारे पास टाइमर रिले है। चले प्रोडक्ट वेरीफाई हो चुका है, अब किस तरह से इसका कनेक्शन किया जाएगा हम समझ लेते हैं। सबसे पहले हमें न्यूट्रल कनेक्शन करना होगा, तो न्यूट्रल देखिए हमें यहाँ पर कॉन्टेक्टर में कनेक्ट करना होगा, बल्ब में कनेक्ट करना होगा, प्लस हमारे पास टाइमर रिले में न्यूट्रल कनेक्ट करना होगा। तो देखिए यहाँ पर हमने न्यूट्रल के लिए 3 कनेक्टर कनेक्ट किए हैं। देखिए यहाँ से बल्ब में न्यूट्रल जा चुका है, यहाँ से हमारे पास जो रिले टाइमर है यहाँ पर न्यूट्रल कनेक्ट कर दिया है, दैट मीन्स रिले में अभी हमारे पास न्यूट्रल आ चुका है और कॉन्टेक्टर में हमने न्यूट्रल को कनेक्ट कर दिया है। देखिए हमारा न्यूट्रल का कनेक्शन यहाँ पर कंप्लीट होता है। अब फेस का कनेक्शन किस तरह किया जाएगा केयरफुली वॉच कीजिए। देखिए फेस के लिए कनेक्टर हमने यहाँ पर कनेक्ट किया है। सबसे पहले हमारा जो फेज वायर है वो सिलेक्टर स्विच में जाएगा, ताकि हम यहां से टाइमर रिले के सप्लाई को ऑन या ऑफ कर सके। देखिए जैसे सिलेक्टर को ऑन किया जाएगा, तो सिलेक्टर के ऑन करते ही हमारे पास देखिए टाइमर रिले के A1 पॉइंट में फेज को कनेक्ट कर देना है, प्लस हमारे पास जो रिले का कॉमन पॉइंट 2 नंबर है वहां पर भी हमें फेज को कनेक्ट करना है। तो एक कनेक्टर हमने और कनेक्ट किया है, देखिए कॉइल A1 में फेज आ चुका है। अब यहीं से रिले के कॉमन पॉइंट 2 नंबर पॉइंट में फेज हमें कनेक्ट कर देना है। देखिए जैसे हमारा टाइमिंग स्टार्ट होगा तो कॉमन की सप्लाई 3 नंबर NO पॉइंट से निकलेगी, जिसे ले जाकर हमें मोटर स्टार्टर को ऑपरेट कर देना है। देखिए NO से 3 नंबर पॉइंट हमने कनेक्टर लिया है। देखिए हमारे पास मोटर स्टार्टर में ओवरलोड रिले कनेक्ट किया है, तो ओवरलोड रिले का NC पॉइंट हमें यूज करना है। तो 95 नंबर पॉइंट में हमने यहाँ पर कनेक्टर कनेक्ट किया है, ताकि हमारी मोटर जब भी ओवरलोड हो तो यहाँ से हमें ट्रिपिंग मिल सके। देखिए यहाँ से NC का जो आउटपुट होगा 96 नंबर पॉइंट से कॉइल को ऑपरेट कर देना है। देखिए हमारे पास मोटर स्टार्टर का कनेक्शन हो चुका है। अब यदि जो हमारा ऑफ टाइम है, ऑफ टाइम में यदि आप अदर लोड को ऑपरेट करना चाहते हैं या फिर सिंगल आप मोटर स्टार्टर को ही ऑपरेट रहना चाहते हैं, तो इतना ही कनेक्शन करना है। यदि आप ऑफ टाइम में किसी अदर लोड को या कूलिंग फैन को ऑपरेट करना चाहते हैं, तो इसका कनेक्शन आपको 1 से कर देना है। चलिए हम सबसे पहले टाइमिंग सेट कर लेते हैं। देखिए 5 सेकंड हमें सेट करना है, सबसे पहले इसे 10 सेकंड पर सेट किया है। देखिए अब इसका एक एक पॉइंट 1 सेकंड का है, जैसे ऑन टाइम में 5 सेकंड पर सेट कर दिया है, ऑफ टाइम को भी इसी तरह से हमें सेट कर देना है। सबसे पहले ऑफ टाइम का मेन पॉइंट को 10 सेकंड पर सेट किया है और यहां पर इसे 5 पर सेट कर दिया है। जस्ट 5 सेकंड की हमारी ऑन एंड ऑफ सेटिंग हो चुकी है। देखिए पावर को जैसे ही ऑन किया, ऑन का इंडिकेशन ग्लो कर रहा है, प्लस मोटर स्टार्टर ऑपरेट हो चुका है। 5 सेकंड देखिए होते ही हमारा ऑफ का इंडिकेशन ग्लो कर रहा है, प्लस बल्ब ग्लो कर रहा है। अब हमारा यह जो स्टार्टर है कंटिन्यू 5 सेकंड ऑन एंड 5 सेकंड ऑफ कंटिन्यूसली होता रहेगा। आपके जो भी टाइमिंग की रिक्वायरमेंट है आप वहां पर सेट कर सकते हैं, और इस तरह आप स्टार्टर से ऑटोमेटिकली किसी भी लोड को 0.1 सेकंड से लेकर 100 आवर तक की सेटिंग के अकॉर्डिंग ऑटोमेटिकली स्टार्ट स्टॉप कर सकते हैं। यदि आप इस प्रोडक्ट को परचेस करना चाहते हैं तो एक डिस्क्रिप्शन में कॉन्टेक्ट नंबर मिल जाए, जिसपे कॉन्टेक्ट करके आप इसे परचेस कर सकते हैं। सो आज के लिए इतना ही। Thanks, friends.